ਐਸ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? मैं छड़दा नहीं जी, उसनों अंत तक लेके जाऊंगा मैं, पवे वो टाइम लगता है पर मैं उन्होंने कोई नू भी माफ नहीं करता है। हेलो, हाँ जी महाराज। हाँ जी पंडित जी, सत श्री अकाल, मैं पत्रकार बोल रही मनप्रीत ओलक। जी महाराज, की हाल है? बहुत बढ़िया जी। अपन मैं थोड़ा 5 मिनट फोन करना जी, के एस मक्खन वाले मामले च। जरूर जरूर महाराज। चलो मैं स्टार्ट करना। पंडित जी, एक मामला सामने आया कि के एस मक्खन दे नवे गाने नू लेके तुसी कोई उना दे उत्ते रिपोर्ट दर्ज करवाई है बठिंडे दे विच, ओ दसोगे की मामला है? जी बिल्कुल, के एस मक्खन जो पंजाब दे बड़ा मशहूर गायक अते एक बार गुरु सिख बन के गुरु दे शरण विच आन वाले केस मक्खन साहब नू मैं बहुत सम्मान करदा है, पर उन्होंने एक गाना दी शूटिंग बठिंडा दे जमीन विच खेत विच बंदूक नू वरतो करके शूटिंग कर रहे सन, उसकी क्लिपिंग करके फेसबुक ते अपलोड भी कर दिते ने। जो बंदूक दी वरतो होया है उसनू देख के मैं बहुत हैरान होया ते तुरंत मैंने कंप्लेंट बना के डी सी अते एस एस पी बठिंडा नू भेजिया ते एसएसपी अते डीसी साहब ने बहुत कमाल का काम करते हुए एक्शन ले कर दिते ने ते ओ जेड़े गाना फेसबुक पे अपलोड होया सी ओ डिलीट होया है जी। अच्छा, तुहाडे नाल सिंगर ने जा उस कंपनी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तुहाडे नाल होया कांटेक्ट उन्हां दा? नहीं जी बिल्कुल, कोई गायक वालों या कंपनी वालों मेरा नाल कोई गलबात नहीं होया है, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया होने कारण डायरेक्टली मैं भी गलबात भी नहीं कर सकता है। मैं तो सिर्फ डीसी अते एसएसपी नाल ही गल कर सकता है, क्योंकि कानूनी तहत कार्रवाई होएगी। मैं लगता है केस मक्खन साहब समझदार ने, वो समझदारी दिखाते हुए वो गाना जो गाना शूटिंग होया थी क्लिपिंग उन्होंने फेसबुक तो करवा दिते ने, डिलीट हो चुके है, मैंनु समझदारी दिखाए ने जी। तुहानू गाने दी वीडियो तो इतराज सी जां गाने दे बोलां तो इतराज सी? गाने दे विच जिहड़ी बंदूक दी वरतों होया है उसदे मेरा इतराज होया, क्योंकि मानो पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट ने 22/7/2019 नूं एक फैसला सुनाउंदे कहा सी कि गाने दे विच बंदूक शराब दी जां ड्रग्स दी उत्सत करना गलत है ते कारवाई होना चाहिदा, इसलिए उसनू दलील दिंदे हुए मैं कंप्लेन कीती सी जी। जी, वैसे पिछले जो तुसी होर काफी सिंगर्स दे उत्ते भी कंप्लेंट्स पाईयां, तुहाडियां कंप्लेंट्स हर बार मतलब सुन लैंदा प्रशासन कि कुछ कंप्लेंट्स अद्ध विचाले भी रह जांदियां ने? नहीं, मैं छड़दा नहीं जी, उसनू अंत तक लेके जाऊंगा मैं, पवे वो टाइम लगता है पर मैं उन्होंने कोई नू भी माफ नहीं करता है, क्योंकि पवित्र पंजाबी भाषा बोलने वाले नू कोई कदे भी माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं कंप्लेंट करने तो बाद उसकी नतीजा आने तक फॉलो अप करता है, उन्होंने सजा दिलाने की कोशिश करता है, 90% मैं सक्सेसफुल आ जी दे विच जी। तो जिवें तुसी कंप्लेंट्स करते रहेंगे हो मतलब सरकार भी वेखती होगी कि साडे फैसले नू कोई अमल दे विच लिया रहा, तो सरकार ने तुहानू कदी कहा कि तुसी वधिया काम करते हो, तुसी गन कल्चर नू प्रमोट नहीं होने देंगे जां नशे नू प्रमोट नहीं होने देंगे? जी, मान्योग मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह साहब ने बहुत बार उन्होंने नोटिस भी कढ़िया ते पब्लिक तौर पर बिनती भी की है कि शराब बंदूक वाले गाने किथे भी नहीं चलेंगे, इंटरनेट पर जेकर बंदूक की फोटो भी अपलोड करता है कोई उन्होंने खिलाफ कार्रवाई लई भी उन्होंने किया है। तुहाडे तक पहुंच की थी, तुहानू कदी कहा कि एप्रिशिएशन दित्ती तुहानू? देखो जी, सरकार ने अप्रिशिएशन मैनू डायरेक्टली तो नहीं, पर सारे सरकार दे महकमा सारे मैनू जानते हैं, सत्कार सम्मान करते हैं,
इसका भाव ये नहीं कि जिथे अगस्त 15 नु जाके हार माला जाके सत्कार करन दी नहीं हुंदी है, पर पावना सत्कार हुंदी है, गौरव दी शब्दावली ऊपर सत्कार हुंदी है। मैनू पूरा उम्मीद आशा ते पक्का है कि हरेक पंजाबी हरेक ऑफिसर हरेक नेता मानो मुख्यमंत्री तक सारे मैनु सम्मान कर दे, वो सारे जानते हैं मैं बाबा नानक दे राह ते चलन वाला हाँ जी। लोग विरोध भी बहुत कर दे तो केंद्र भी जान की कर दे। देखो महाराज मेरा बाबा नानक जिथे जिथे गए एक परमात्मा नाल लोका नु जोड़न लई उस वक्त भी विरोध होया, पत्थर भी सुटिया लोका ने, पर मेरा बाबा नानक ने उस विरोध नु भी सम्मान समझ के उस विरोध नु भी विरोधी लोका नु भी समझाया। कहने दा भाव है मैं बाबा नानक दे राह से चलन वाला, जेडे लोग मेनू विरोध कर दे या कोई गाला कर दे उन्होंने मैं बहुत सम्मान करदा है, पंजाबी लोका दा हरेक लोका दा मैं सम्मान करदा है, विरोध मैं विरोध नहीं मनदा, मेरे लिए आशीर्वाद मनदा है जी। अच्छा अखीरला सवाल मैं पूछूंगा, तुसी पंजाबी गाने सुनदे हो? बिल्कुल सुनदा महाराज। तुहाडा पसंदीदा गाना केड़ा पंजाबी? केड़ा तुहाडा पसंदीदा गाना केड़ा, सब तो फेवरेट गाना पंजाबी? महाराज बहुत सारे ने, मैं बहुत ध्यान नाल सुनता है गुरदास मान साहब नु, सरताज साहब नु मैं बहुत सुनता है, उठे अमरिंदर गिल है जो विदेश उच बैठ इटली विच बैठ के गाउंदे है, बहुत कमाल दा आवाज है, कदे भी गलत नहीं गया अमरिंदर गिल। उस तो अलावा मैं सुनंदा शर्मा नु सुनता है, बहुत बुलंद आवाज है उसकी, पर एक गाना गलत गाई जी, वो बुलेट विच पटाके रखिया बुलेट दा रखिया एहो जिहा गाना, उन्होंने लिखित विच भी माफी मंगी, वो सच्ची पंजाब आना मैं सलाम करता है, इदा ही गायक नु मैं बहुत सुन रहा है जी। जी शुक्रिया पंडित जी समय देने के लिए, धन्यवाद जी महाराज, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।